हर वित्त मंत्री प्रयास करता है कि अच्छा से अच्छा बजट पेश किया जाए। हर बजट के सामने नई नई चुनौतियां होती हैं उस वर्ष की, कुछ कम समय की होती हैं, कुछ दीर्घकालीन होती हैं। इस बजट के सामने भी चुनौतियां थी, मैंने वो 7 चुनौतियां यहाँ गिनाई। और मैं इतना ही कहूँगा कि वित्त मंत्री ने, प्रधानमंत्री ने, सरकार ने अपनी तरफ से कोशिश की है उन चुनौतियों से निपटने का, लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि उनका प्रयास अधूरा रहा। हमारे साथ इस वक्त पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा साहब हैं। सर, जब से आप वित्त मंत्री का अपने पद जब से छोड़ा, उसके बाद से आज तक जितने भी बजट पेश हुए हैं, जितने भी बिजनेसमैन हैं, उनका एक ही रिएक्शन रहता है कि भाई यशवंत सिन्हा साहब ने इस पर क्या कुछ कहा है। आपके बाद से बहुत सारे वित्त मंत्री, 4-5 वित्त मंत्री, जहाँ तक मुझे पता है 4-5 वित्त मंत्री यहाँ पर आए, लेकिन आपका ही रिएक्शन बार बार लोगों की डिमांड रहती है, चाहे सोशल मीडिया पर कहें, चाहे सारे चैनल्स पर कहें। और क्यों सर, आप सबसे पहले मेरा सवाल है कि आपके नज़र में ये जो बजट है, ये पहले सबसे पहले बताइए कि कैसा है। एकदम साफ शब्दों में सीधा सवाल है, कैसा है? नहीं देखिए, यही सबसे बड़ी गलती हम लोग करते हैं कि बजट ऐसे विषय पर हम कहते हैं कि एक बाइट दे दीजिए। बजट पर बाइट नहीं होती, बजट पर गंभीर चर्चा होती है। और इसीलिए बड़ी दिक्कत होती है हमारे जैसे लोगों को जब कहा जाता है संक्षेप में बता दीजिए, मार्क दे दीजिए, 100 में कितने अंक देंगे। ये गलत ढंग है बजट के बारे में चर्चा करने का, देखने का भी। मैंने अभी यहाँ कहा कि हर वित्त मंत्री प्रयास करता है कि अच्छा से अच्छा बजट पेश किया जाए। हर बजट के सामने नई नई चुनौतियां होती हैं उस वर्ष की, कुछ कम समय की होती हैं, कुछ दीर्घकालीन होती हैं। इस बजट के सामने भी चुनौतियां थी, मैंने वो 7 चुनौतियां यहाँ गिनाई। और मैं इतना ही कहूँगा कि वित्त मंत्री ने, प्रधानमंत्री ने, सरकार ने अपनी तरफ से कोशिश की है उन चुनौतियों से निपटने का, लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि उनका प्रयास अधूरा रहा। और खासकर देश के सामने जो चुनौतियाँ हैं, बेरोजगारी की, बढ़ती महंगाई की, बढ़ती असमानता की, कई चुनौतियां हैं जिसके बारे में जिस ढंग से मुकाबला करना चाहिए था बजट में, उस ढंग से मुकाबला नहीं किया। वित्त मंत्री 91 मिनट के भाषण में केवल एक बार महिला और एक बार शिक्षा कहे, तो उस बजट को आप क्या कहेंगे सर? क्रिप्टो की बात की जाए, डिजिटल रुपए की बात की जा रही है, सिर्फ डिजिटल करने से ये जो आम आदमी है, ये जो गरीब व्यक्ति है, जो ठेला खींचने वाले हैं, जो फुचका बेचने वाले हैं, उन आप जब थे तो वो लोग टीवी खोलकर देखते थे कि भाई हमारे लिए कुछ है कि नहीं? अभी भी देखते होंगे शायद, अगर जो देखता है वो देखता ही है, लेकिन अपने आप में वो महत्वपूर्ण बात नहीं है। ये सही है कि उन्होंने कुछ शब्दों का कम प्रयोग किया, कुछ शब्दों का ज़्यादा प्रयोग किया, ये उनकी मर्जी है, क्योंकि बजट ना आप बना रहे थे, ना मैं बना रहा था, वो बना रहे थे, उनके अपने कारण होंगे। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।